नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई सीरीज वेबिनार्स इन न्यू एंड इमर्जिंग जॉब रोल्स में। आज के एपिसोड में हम कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल समझेंगे आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज दिलवाने में। आज के समय में अपनी भाषा में कम्युनिकेट करना इंडिस्पेंसिबल है। ये आपकी लाइफ के ऑलमोस्ट हर फेसेट को इम्पैक्ट करता है, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। आइए जानते हैं कि इस भाषा में पकड़ बनाने के बाद आप किस तरह के करियर एडवांसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मीनाक्षी सिंह जी मौजूद हैं। मैडम अध्ययन स्कूल में इंग्लिश डिपार्टमेंट की HOD हैं। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है मीनाक्षी जी आपका कि आप अपने वैल्यूबल समय निकाला और हमारे जो काउंसलर्स हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जो इंटर्न हमारे जॉब सीकर को डील करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद करते हैं, उनको आप अपने इनपुट्स देने के लिए तैयार हुए हैं। जैसा कि आकांक्षा ने बताया है कि कम्युनिकेशन, वाकई में कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके बिना आप कोई भी जॉब नहीं ले सकते, आप किसी भी फील्ड में अपने आप को बेहतर नहीं दिखा सकते। तो कम्युनिकेशन में कैसे आपको काम करना, आपके कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है, उसके अलावा अगर आप किसी लैंग्वेज में, जैसे कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो या तो साइंस स्ट्रीम में जाते हैं या आपके आर्ट स्ट्रीम में जाते हैं, बट वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मैं इंग्लिश से कुछ ऑनर्स कर लूँ या PG कर लूँ या फिर हिंदी से कुछ, मतलब मजबूरी में जाते हैं कि चलो यार कुछ नहीं मिला तो हिंदी से ग्रेजुएशन कर लो या PG या इंग्लिश में कर लो। जो लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट शायद ज़्यादातर जो स्टूडेंट है उनकी पहली पसंद नहीं होती है, कुछ एक को छोड़ करके जो वाकई में उस फील्ड के बारे में जानते हैं और कुछ एक्सपीरियंस होता है कि इस फील्ड में जाने के बाद भी बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो मीनाक्षी जी, आप विस्तार से हमारे जुड़े हुए सभी साथियों को बताएं कि किस तरह से लैंग्वेज में कोर्स करने के बाद अपने कम्युनिकेशन स्किल पे और वर्क करने के साथ साथ किस तरह से हमारे बच्चे कैरियर बना सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। इसका जो लिंक है यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा, जो भी बच्चे चाहे जब चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको देख करके सुन करके और अपना मनचाहा जॉब उस फील्ड में प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के हमारे करीब करीब 40 के लगभग के जो ये है क्या कहते हैं वीडियोस हैं वो अपलोडेड है और उनको आप देख सकते हैं। डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटीज पे हैं, हमने कोशिश करी है कि हर एक फील्ड से एक्सपर्ट को बुला करके और उनकी राय ली जाए ताकि वो हम जॉब सीकर को बता सकें कि ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है। तो थैंक यू मीनाक्षी जी, आप प्लीज कंटिन्यू करें और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे यंग प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं वह आपकी इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जो जॉब सीकर उनके पास आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें। थैंक यू अभी। ओके मैम, गुड आफ्टरनून। मैं एम लता गौतम मैम का और आकांक्षा मैम आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एम लता गौतम मैम ने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे बच्चों की चॉइसेस लैंग्वेज नहीं होती है, दे डोंट वांट टू ऑप्ट अ करियर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज बिकॉज मे बी दैट दे डोंट हैव नॉलेज एज टू व्हाट करियर अपॉर्चुनिटीज दिस लैंग्वेज कैन ऑफर देम। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हाईलाइट द फील्ड्स wherein English, the learning of English language can ensure a promising career. Okay, so as Director Ma'am rightly said that nothing in life is more important than to communicate effectively, not just in professional life, in personal life as well.
So today we will see that most of the students, when they are opting for the career, they sometimes complain that they did not take the decision on their own. Sometimes they say, like, sir, I'm dealing with many students, even with the students who are pursuing BTech, they're not very happy about it. Because most of the girls came to me and they said, ma'am, our area of expertise was the language, but our parents did not allow us to pursue career in the language, let it be Hindi or English. They think that learning of language is not going to offer good career opportunities. But it is a myth. It is because most of the people follow shield factor in our country. And that is quite unfortunate thing, because most of the students end up doing nothing with their career, and they at the end, they just neg themselves. So let us see that we all know that the whole world has become a global village, right? And the learning of English language means becoming a global citizen. So English remains dominant in every field, let it be trade, international trade, finance, technology, medical, education. English language remains dominant everywhere due to its flexibility and easy. So now we see how language can serve as a gateway to opportunity. People often say that opportunity knocks at your door. We as language trainers say that if the opportunity does not knock, you please create a door. Let us see how English proficiency is a crucial skill in today's job market. It is because of its capability, because it can provide diverse career paths. But yes, you can be successful in those careers provided you have strong English skills and you have the desired set of skills to be successful in that particular field. So let us see in academics work, teaching and education. There is a scope for English teachers in schools, colleges, institutes, right? Let us see. When it comes to the school education, we know that English is taught at different levels: elementary, primary, secondary, senior secondary. So it depends upon your knowledge of language and the desired education, educational qualification to survive. For example, if you are taking primary, if we talk about primary, you need to do your teacher training in training the students at primary level, right? Their different set of skill is required to train the students in language skills. If you have done a BA, then you are eligible to cater to the needs of the students from 6 to 10. And if you have to serve the senior students, then you need to be postgraduate along with BA and other set of skills in the language. You can be successful in your career. Now we see that most of the colleges, they have at AKTU, professional communication remains an integral subject, which is now named as soft skill. So students who or I would say the career aspirants, those who have good knowledge of language and the desired set of skills to train the engineering aspirants. For example, if I talk about soft skill, it includes the language accuracy, the learning of language. It includes the basic level of grammar and sentence structuring also. And apart from that, there are many things. For example, a person who is serving in a technical field will not be limited or confined only to that particular subject. Usko aur logon se bhi deal karna padega. Presentations deni hongi, project management handle karna hoga, time management ko dekhna hoga. Kai baar group discussions hum logon ke hote hain. To zaruri nahi hai ki जो ओपिनियन एक कैंडिडेट की है वो दूसरे की भी हो.
कई बार कंफ्रंटेशन भी होते हैं, तो उस सेटअप में, उस प्रोफेशनल सेटअप में हमें ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से हाउ वी हैव टू पार्टिसिपेट, इवन इफ यू नो वी हैव टू कन्फ्रंट समवन विद स्टेटमेंट, हाउ टू डू दैट प्रोफेशनली, मेंटेनिंग द प्रोफेशनल डिकोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए हमें कैंडिडेट्स चाहिए. तो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स की भी उतनी ही डिमांड है जितने टेक्निकल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की, क्योंकि एक प्लेसमेंट सेल है प्रॉपर. वहां आपका आजकल देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कोडिंग, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एप्टीट्यूड. तो वर्बल एबिलिटी ट्रेनर्स मैंने देखा है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वर्बल एबिलिटी ट्रेनर्स की बहुत अच्छी खासी डिमांड है और दे आर एक्चुअली सुटेबली रिवॉर्डेड. मैम देखिए, तो अब मैं वही आपको बता रही थी कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो अगर हम एकेडमिक्स में बात करते हैं, तो अगर आपकी प्रोफिशिएंसी, सपोज यू हैव जस्ट डन योर, यू आर एन इंग्लिश ग्रेजुएट और यू हैव डन योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, तो डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन एंड द लेवल ऑफ द नॉलेज यू हैव इन द लैंग्वेज, यू कैन बी ऑफर्ड जॉब एट डिफरेंट लेवल्स, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी. अब हम बात करते हैं, तो आजकल जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं, सब लोगों का अपना एक, हम देखते हैं बीपीओस, केपीओस, दे आर स्टिल पेइंग अ हेफ्टी अमाउंट, अ हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी. इवन जो प्लेन ग्रेजुएट, जिन्होंने सिर्फ, जिनका एरिया ऑफ एक्सपर्टिस इंग्लिश लैंग्वेज में है, दे हैव अटेंड गुड हाइट्स इन करियर, दे आर successfully employed as corporate trainer. और उसमें आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको, मतलब you have to spend a lot of amount in that, nothing of that sort, but they are suitably rewarded and they are excelling in their career. अब बात की जाए institutions की, तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो AKTU में ये था प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी वही लोग सर्व कर पाते हैं जिनका एरिया ऑफ एक्सपर्टिस लैंग्वेज में होता है. दे आर ऑल्सो अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. नाउ दिस कोर्स हैज बीन रीनेम्ड एज सॉफ्ट स्किल्स. बट अगर आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, अगर आपके पास वो सर्टेन स्किल्स हैं, क्योंकि आजकल आप देखिएगा IIT में इन्होंने एक नैपटल करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसमें अगर आपने वो सर्टिफिकेशन किए हैं, तो दैट मेक्स यू एलिजिबल टू गेट अ जॉब इवन इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, एंड यू आर सुटेबली रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिकॉग्निशन एज वेल. उसके बाद आप देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे पास कोडिंग है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उसके साथ साथ वर्बल एबिलिटी रिमेन्स एंड इंटीग्रल सब्जेक्ट. तो अगर आप वर्बल, यू कैन बी अ वर्बल एबिलिटी ट्रेनर एंड यू आर सुटेबली रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी. तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एक्सपर्टिस है, तो अगर आप लाइक एज एन एकेडमिशियन काम कर रहे हैं, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर रहे हैं, तो भी आपके पास एक सुटेबल एंड सक्सेसफुल करियर है, जहां आप इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड मनी सुटेबली रिवॉर्डेड होंगे. नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो रोल्स ऑफ ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर, ये बहुत ज्यादा डिमांड में है. आप एज अ ट्रांसलेटर, हम आप AI पे हमारा आज ठीक है, हम सभी लोग मानते हैं कि AI पे हमारी डिपेंडेंस हो गई है, लेकिन साथ ही हम ये भी मना नहीं कर सकते कि जो एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन नॉट रिप्लेस द नीड टू हैव लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. वी नीड लैंग्वेज एक्सपर्ट्स टू एंश्योर, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हैज टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, वी नीड ट्रांसलेटर पीपल लाइक दोज हु आर कमिंग फ्रॉम फॉरन डेलीगेशन. कोर्ट रूम्स की अगर हम बात करें, वहां भी हमें ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर का मेन जो जॉब होता है, वो क्या करता है, ब्रिज करता है लैंग्वेज बैरियर्स को इस ग्लोबल कम्युनिकेशन. और हम अभी भी ये डिनाई नहीं कर सकते दैट हाउ एवर मच English language is important, but many people are still lacking learning of English language. They are not very good at it. They don't have a comfortable with this language. Proper exposure or other things are there, but
अगर आपका लैंग्वेज में एक्सपर्टिज है तो यू कैन बी सक्सेसफुल, बिकॉज यू कैन बी अ ट्रांसलेटर, यू कैन बी एन इंटरप्रेटर. अब देखिए, ट्रांसलेटर की जरूरत स्कूल्स में भी होती है, कोर्ट रूम्स में भी हो सकती है, मीटिंग रूम्स में भी हो सकती है. अगर मैं कॉन्फ्रेंस की बात करूं, वहां भी हो सकती है, जहाँ हमारे फॉरन हम देखते हैं कि कोई इम्पोर्टेंट कोई इशू, इफ इट इज बीइंग डिस्कस, देयर आल्सो वी नीड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. तो अगर आपका इसके अंदर आपको ये नहीं है दैट यू हैव टू डू अ स्पेसिफिक कोर्स, इसमें क्या होता है, आपने अगर आपका लैंग्वेज में यू इफ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड देखिए रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सारी स्किल्स को इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद हम आते हैं राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन. देखिए, इस समय अगर हम बात करें ग्लोबलाइज्ड मार्केट की, कंटेंट राइटर्स की जो डिमांड है दैट इज ऑन द राइज. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन. आज के मार्केट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर एंगेज्ड इनटू कंटेंट राइटिंग. और देखिए, कंटेंट राइटर्स जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं थॉमसन डिजिटल की बात करूं या अवतारा की बात करूं, तो इन्होंने हजारों लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है. उन लोगों की अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, दे हैव सिंपली डन दैट पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश. मीन द ओनली क्वालिफिकेशन दे होल्ड इज द एरिया ऑफ एक्सपर्टिस इन इंग्लिश लैंग्वेज. Means they are experts in language and they are serving successfully at very important positions like trainee editor, sub editor, senior sub editor, chief sub editor, master editor in different capacities depending on the level of the knowledge of English language they have. तो कंटेंट राइटर्स के साथ साथ देखिए, क्योंकि हर चीज में हमें क्या है, हम कंटेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कंटेंट को डेवलप करना. आजकल आपके पास इतने सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के, दैट वी कैन इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन. अब मान लीजिए मुझे कोई कंटेंट डेवलप करना है, मैंने कर दिया, उसके साथ साथ मुझे एक एडिटर भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस कॉन्टेंट डिवेलपमेंट में ये जरूरी नहीं है कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो. If grammatical mistakes are there, they have to be rectified. For that, we need editors. अब देखिए, वो editors क्या है? आज भी बहुत सारी हमारे पास females जो family obligations की वजह से घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, they have an opportunity to operate from home. We have a number of freelance content writers and editors, and they are suitably rewarded in terms of satisfaction and money. Right? They are getting a good recognition. They are operating from home. They don't have to go here and there. So copywriters, क्योंकि copywriters, मान लीजिए मुझे एक patent file करना है, उसके लिए थोड़ा technical sort of writing है, तो मुझे copywriters की भी demand है. तो क्या है कि अगर आपका language में expertise है, तो आप content को develop करना है, उसे edit करना है, या copyright है, इसमें इससे अच्छा ये है कि आप क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव मैसेजेस जो डाइवर्स ऑडियंस है उसके लिए क्राफ्ट कर सकते हैं. बट हाँ, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी, बिकॉज अलोंग विद द एक्यूरेसी, क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड विच पर्टेन्स टू राइटिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन. नेक्स्ट वी जस्ट फोकस ऑन customer service and support. As I just mentioned, customer service and support, we see plain graduates are hired at a smart salary package at call centers, KPOs, international BPOs are paying a handsome amount of salary. Means kya hota hai, aap ek simple graduate hai. When you are hired, first of all, communication and cultural training is imparted to you. Once you are done with this, you are imparted product specific training. So once you are thorough with it, you become eligible to hit the floor, and there it depends upon your scorecard, like how effective your communication is along with the accuracy of language, like how
able, how capable you are to satisfy the needs of the customers, and how effectively you can communicate with them, how you can create a friendly environment. It all depends upon you, because the ball is in your court. When we are dealing with clients, so it depends upon our own skills. So every time, you know, like these skills, just a plain graduate has good career opportunities. Even like those who are getting, you know, who are investing a huge amount of money in different fields, they may not be that successful. But yes, if you hold good command over the language along with effective communication skills, no one can stop you from becoming successful and coming up with flying colors in your career. Technical support specialist, because जो लोग technical support, for example, हम लोग भी देखते हैं कि अगर हम कोई product buy करते हैं तो leaflet साथ आते हैं, तो अब content development में उन लोगों का भी role आ जाता है. क्योंकि मान लीजिए, मैंने अभी बहुत सारे students ऐसे हैं मेरे engineering college में जिन्होंने patents file किए हैं, उन्होंने अलग अलग उनका creation रहा है, creativity है, लेकिन उनको क्या है कि अब एक क्या उसके फीचर्स हैं उसके लिए, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग. तो दे नीड दोस टेक्निकल राइटिंग्स. तो अगर आपका इंग्लिश पर बहुत अच्छा कमांड है तो टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट, एज टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट यू कैन बी हायर. आपको देखिए, दो स्किल्स आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली आप ये सोचें कि आप मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है तो दैट्स मोर देन एनफ. नो, इंग्लिश लैंग्वेज always condition the personality of a candidate, of an individual. So once you own the required set, like you need to have a customer centric approach. If I am working as an academician in English language, I need to have that student centric approach. So to be successful in various fields along with the expertise in English language, we need to acquire different sets of skills. So we all know that language, it is an learning of anything, it is an ongoing process. Ab hum baat karte hain media and communications ki. Agar kahin bhi jaisa ki maine abhi kaha tha content development ki baat aati hai, to jo uske liye candidates ko prefer kiya jata hai, wo unhi ko kiya jata hai. Dekhiye, jinhone mass communication kiya hua, agar aapne mass communication kiya hai ya fir aapne aapki jo expertise hai wo english language mein hai, kyunki मीडिया और कम्युनिकेशन में आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हाउ इफेक्टिवली पीपल आर कन्वेइंग देयर मैसेजेस. बट हाँ, अगर आपको जर्नलिज्म में, आप एज अ रिपोर्टर, आप कहीं भी आपका आपको लैंग्वेज में एक्सपर्ट है तो यू कैन सर्व एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर. एंड वी नीड गुड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ऑल्सो, क्योंकि इसका जो एरिया रहता है वो कम्युनिकेटिंग न्यूज एंड मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रेपुटेशन रहता है. Okay, but ma'am, this time I think that my message is clear to all. And if there are queries, ma'am, I would like to tell the audience that they can post their queries related to any of the things, and I would answer them later. So this time, ma'am, I'm talking about media and communications, right? So those who have expertise in English, they can be successful in media and in the field of media and communications. But yes, along with the knowledge of English language, what they need to have, they need to have additional degrees such as mass communication. And once you know they have a degree in mass communication and journalism, it makes them eligible, it explores number of job opportunities, because they are preferred as content writer and editor. It is because then they people think that they have now a deep understanding of developing content, and they know the rules for editing the content. Next, we talk about marketing and sales. Those who have good knowledge of English and good communication skills, they are eligible for for higher posts in media research and communication. Ma'am, I am trying to share my screen, but unfortunately, though I'm changing, but it is not becoming visible to the audience. So I'm just working on it, ma'am. Just give me a moment, please. So now we see that this language alone offers different career opportunities in different fields.
Right, so we have just discussed about academics, media, writing, content writing, and editorial. And this time, we have even discussed customer care services, media and communications, and now we are discussing about marketing and sales. Like those who own good communication skills, it is because in marketing, one has to speak more. In counseling, one has to listen more. So from the beginning, I have been insisting on this point that along with the language, certain set of skills is required depending on the needs of the particular field one wants to serve. One can, like even a simple, even a plain graduate can opt the job for marketing specialist, for sales. They can easily serve as sales representatives. It depends on the level of knowledge they have of the language. English, learning of English language can explore good job opportunities in administration and management as well. For example, those who are acting as executive assistant, office manager, right? Their only job is to support executives and manage operations. As we know that it is the English language is the language of business. It is used in international trade, finance, technologies, and you know, English, those who have good knowledge of English, they have an advantage. Because it makes them eligible for international positions of the world's communication. It is because nowadays we all know that the world's communication is done in English. And English language, see, the knowledge is different. But when we have to survive in different fields, each field has its own specific needs. For example, if I talk about business English, it is generally short and specific. If I talk about business English, it includes report writing, technical document writing, proposal writing. It includes the content development for social media as well. And you know, once we are proficient in this, it does not just make us a successful aspirant in any of the field, but it makes us, it builds confidence in us to deal with people and basic issues in business world. So by the time I'm working on this, I would like to tell that students, other courses, like I talked about other set of skills. So when I talk about it, IIT has started a program that is distance learning, and it is open to all. It is an online learning program. This is called NEPTIL program. So at a very affordable price, individuals can opt for it. And once you are certified, like online training is imparted. For example, I'm working somewhere and during the whole day, I don't have time to attend to those training sessions. So they provide you with the links also, and along with this, those links, certain assignments are given. So once we do those assignments, an assessment is conducted, and once we crack the assessment, they provide us with the certification, and the certification is enough to make good job opportunities available to us. These days, EDX is also, like, it is a mission-driven, massive open online course provider, and they have partnership with the world's leading universities and organizations, and they offer high quality online courses to learners across the world. Many of them are free of cost, but if we want certifications, then we have to just pay a minimal amount, which does not make much burden on the pocket of the learners. I'm really sorry for the inconvenience, but talk about international business and trade. I have just explained as to how the individuals with good communication skills are eligible to hold important positions at international level. They can, like we know, the export and import, so they can act as a coordinator
टू ब्रीच द कम्युनिकेशन गैप्स बिटवीन द कंट्रीज दे कैन एक्ट एज बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दे जस्ट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु वॉन्ट टू सर्व एट international level in international business deals they have to facilitate global trade and expanding business operations. Next is legal and government services. As we know that court, most of the court proceedings are done in English, so for that, for example, preparation of documentation and supporting legal proceedings, and sometimes you know it may involve international relations as well. So those who have good knowledge of English, they can serve, or just on the basis of the knowledge of English language, they can serve as legal assistants also. Legal freelancing and consulting, freelance writer, editor, I explained it in the beginning. You can be a consultant also. For example, these days I have seen people, those who have been abroad, they means you know they have been to many countries and to various fields, their exposure is very high, so they can even guide students in choosing the right career for themselves. Many, like, with good knowledge of English, most of the candidates are already serving as freelance writers, editors, consultants. They are in their specialized services globally. Students, now you know what those who don't want to depend on their parents to fulfill their financial needs, they are taking tuitions. They are taking tuitions for those who are staying abroad, and they are getting a good amount of salary. Even many students, I have just spoken to many of the students, those who are preparing for their NEET exam or those who are planning to pursue their further studies. They are very happy because they say that they have students from foreign countries. They are taking tuition and they are being paid hourly. So it means a lot for those who are just students, just on the basis of the language, they are able to carry out their own studies. Now we just in brief, I'm not taking much of your time. If I would like to talk about the professional English language, from IGNU, Indira Gandhi International Open University, it offers certification in English language teaching, in creative writing in English, and for example, you are in developing writing skills. These days CBSE has organized workshops for students to craft stories, and the program is named as Budding Authors Program. So experts are just those who have done their English. They are students' tips on developing stories, and IIT Roorkee and other IITs also, they are offering the program at a very nominal price, which is named as National Program on Technology Enhanced Learning. I just told that they, like, any time, you know, we can have access to those training sessions which are conducted online. For example, they send you the link. Suppose I missed on it, I was busy in my college and I could not spare time to attend that training session. They send the link, we can attend those training programs as per our convenience, and can submit the assignment based on those assignments, based on those training sessions. And we can easily, once our assignments are complete, once we have taken the exam, once we qualify the assessment which is conducted by IIT, we are eligible to get those certificates, and those certificates carry a lot of value. They enhance your employability. So technical English for engineers, it is one of the subjects also wherein they are improving their, it is because, you know, in English also there are many areas
wherein the knowledge and you know that particular vocabulary which is required to cater to that area is required. English for science and technology. So different courses are available in those particular fields which are designed to cater to the needs of those students, those who are aspiring to build their career in that particular line. And there are many other affordable options, as I just told, Coursera, EDX courses on business English, professional writing. You know, these courses do not cost much, but they are yielding fruitful results. They are enhancing employability even for plain graduates. Thus, these certifications are making you eligible to survive successfully in the global market. Local community colleges, ESL programs, and now the see what I personally appreciate about these courses that graduation, post graduation, generally hear from our elderly people also that who is going to offer a job to a plain postgraduate or just to a graduate in just a language. But these were the few career opportunities which are available for those who have expertise in language. And with these certifications which are available at such an affordable amount, I think that it is quite beneficial. And I'm really now the key takeaways, if I talk about. So today we have discussed diverse career opportunities which are available or which can be available with proficiency in English language. So please, if you have any queries, you can post your queries to me, and I assure you that I would really answer all your queries. If you have any doubts, ma'am, you please drop me a message and I would try my level best to solve those queries and to provide you with the valuable inputs on the importance of affordable professional courses in enhancing English skills, which will ensure you a good career opportunity. So now I think that if I just conclude, we can say that invest in improving English skills for enhanced career prospects really means a lot. And we have just seen that how English language courses are available at affordable prices, which can offer tremendous job opportunities even to plain graduates, and how they can be helpful in career development opportunities. So Akansha ma'am, for question and answers, I have just told that if any of the candidates has any query related to the course or related to the scope of any particular course, they can drop their queries to me in the chat box, and I assure you that I would answer them in detail. So any questions for now, ma'am? That is it from my side. Ji ma'am, ma'am, ek common question ye rehta hai ki agar aap creative writing ki field mein jate hain to abhi AI ki wajah se writers ko copywriters ki job mein kafi hit aaya hai, to uske liye kya ek alternate dhoonda ja sakta hai? Ma'am, bilkul bhi nahi hoga, kyunki aap dekhiye ma'am, agar main baat karu na AI, to ह्यूमन बींग्स उसको डेवलप किया है. एआई सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड है वो उसके बेसिस पर काम करता है. जबकि अगर मान लीजिए मैम क्रिएटिव राइटिंग, ये क्रिएटिव राइटर्स के लिए, कंटेंट राइटर्स के लिए, स्टोरी राइटर्स के लिए अभी भी मार्केट में पूरा बूम है, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, आपके आपके आइडियाज की ओरिजिनैलिटी कितनी है. फॉर एग्जाम्पल मैम देखिये, हम लोग डिबेट कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए. अब आप देखिए मैम, एक बच्चा आता है अपने ओरिजिनल आइडियाज के साथ, आप देखिए आपका फॉरन अटेंशन होता है. जबकि जो दो चार आ रहे हैं मैम, एआई में क्या है ना कि उसमें जो ऑलरेडी फीड इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उसको दिखाएगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. प्रोलिफिक राइटर अगर आप हैं, अगर आपके अंदर मैम देखिए क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल राइटिंग है, आपको पता है कि एक स्टोरी को मुझे डिवेलप करना है, तो उसके मुझे खुद ये क्लैरिटी है कि इफ आई एम डेवलपिंग दिस कंटेंट
तो व्हाट आई एम हेडिंग टूवर्ड्स, व्हाट इज माय बेसिक इंटेंशन, व्हाट मैसेज डू आई वांट टू कन्वे. तो मैम देखिए, मैं भी व्हेन आई वाज सर्विंग द सोसाइटी एज अ जर्नलिस्ट, आई यूज टू गो ओनली फॉर द ओरिजिनलिटी. तो अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मैम एआई कैसे हिट कर देगा. ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक लोगों की मिथ बनी हुई है. एआई मैम कंटेंट कैसे डेवलप कर देगा, और अगर एआई ने कंटेंट डेवलप कर दिया, देखिए आप गूगल ट्रांसलेटर पे हम कई बार चीजों को ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद भी मैम हमें जो एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स हैं वो चाहिए होते हैं, क्योंकि एआई क्या है, वो सिर्फ जो उसके अंदर फीड है इंस्ट्रक्शन वो उस पर काम करता है. तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये अभी लोगों के मिथ है, ऐसा इससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा. जी मैम, आप क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बता सकते हैं जहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग की जॉब या ट्रांसलेटर्स की जॉब अवेलेबल हैं वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल में? मैम वर्क फ्रॉम होम में आप देखिए, अभी एक अपना करके एक सॉफ्टवेयर है मैम, मुझे नहीं पता कि मेरा रजिस्ट्रेशन, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया डेली उनके पास मैम पता नहीं कितने कॉल्स आते हैं. अभी मैंने लास्ट ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए थोड़ा बहुत काम किया था, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाई थी. और आप देखिए, क्रिएटिव राइटिंग का जो ये है, ये 6 मंथ से 1 ईयर का है मैम. अगर आप इसे इग्नू से करते हैं तो इग्नू का ये प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेशन है. और आप देखिए, प्रोडक्शन हाउसेस में स्क्रिप्ट राइटर्स की डिमांड होती है, ये डिपेंड करता है आप पर. आप जितने भी ये पब्लिकेशंस हैं, दे डू हैव यू नो देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टोरी राइटर्स. तो मैम हर फील्ड में ऑलमोस्ट है. अब आप आर्टिकल्स की बात कीजिए, आप देखिए हमने एक मालवा डायरी करके स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो जिनमें ये क्रिएटिव राइटिंग का ये करके आए हुए थे डिप्लोमा, उन्होंने मास कम्युनिकेशन किया था, उसके साथ साथ इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग में भी डिप्लोमा किया हुआ था. तो मैम वो दे यूज टू कम अप विद डिफरेंट टाइप. और बाकी मैम मैं डिटेल में आपको, अगर आपके पास ऐसे कोई वो है तो मैं डिटेल में भी इसकी आपको वो भेज सकती हूँ, डिटेल में भी इसकी करके कि कहाँ से ये कोर्सेज अवेलेबल है. उन कोर्सेज को करने के बाद तो कई बार तो मैम आप जहाँ से ये कोर्सेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिम्बॉयसिस है, डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, तो कई बार तो ये लोग जो इन कैंपस प्लेसमेंट है, ये लोग ही आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करा देते हैं. जी मैम, मैम ट्रांसलेटर्स की बेसिक सैलरी क्या रहती है? मैम देखिए, अभी अगर आप ट्रांसलेटर की बात करें तो मैम इनिशियली अगर आप, अब ये डिपेंड करता है मैम, देखिए अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आता है तो मैम आपको अगर पता हो, ये टिहरी डैम जब अभी ये बना तो हमारे यहाँ से 2-3 रशिय ये ट्रांसलेटर्स गए थे, आती थी क्योंकि जितने भी लोग वहां काम कर रहे थे रशियंस, तो उनको रशियन लैंग्वेज भी आती थी, उनको इंग्लिश भी आती थी. तो रशियन टू इंग्लिश ट्रांसलेटर्स मैम आपको मैं बताती हूँ, एक लेडी है रुम्बा, शी इज गेटिंग 2.5 अलोंग विद द लॉजिंग, 2,50,000 विच इज क्वाइट अ हैंडसम अमाउंट. अब आप अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैम पब्लिशर्स बहुत सारे लोकल पब्लिशर्स भी कई बार काम देते हैं, मैं बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशंस की बात नहीं कर रही, कि मैं थॉमसन डिजिटल की अवतारा की बात कर रही हूँ. तो ये लोग भी मैम जैसे ठीक ही अमाउंट पे करते हैं, लेकिन मैम ये ना नॉलेज पर आपके डिपेंड करता है, नॉलेज पर और एक्सपीरियंस पे. पर जो इसका बिगनिंग अमाउंट है, देखिए मैम आगे तो कितना चला जाए, आप अगर मान लीजिए अब आपको 2 या 3 फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, उसके साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सपर्ट है, एम्बेसी में आपके आप जा सकती हैं, आप यहाँ जहाँ ये फॉरनर्स हैं, जैसे अभी ये भिलाई स्टील प्लांट उधर, उसके पास उन लोगों ने कुछ रशियन, क्योंकि मेटिकुलस होती है इन लोगों की नॉलेज इंजीनियरिंग में, तो इन्हें हायर किया होता है, इनके डॉक्यूमेंट्स तो वो उनको ट्रांसलेशन के अलग पैसे मिलते थे, जो एज अ ट्रांसलेटर वो उनके साथ जाते थे कम्युनिकेट करने के लिए जो लोकलाइट्स हैं, प्लस जो उनके डॉक्यूमेंट्स को वो रशियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे उसके वो अलग से पैसे लेते थे. तो ये डिपेंड करता है मैम कि आपकी, लेकिन आपका जो मीन्स आपको अगर एक इंग्लिश और हिंदी आती है तो देखिए मैम उसके हिसाब से आपको मिलेगा, हो सकता है आपकी जो स्टार्टिंग हो 20,000 से 30,000 तक आपकी बिगिनिंग का, ये मैं बता रही हूँ जो इनिशियली अमाउंट मिलता है. और अगर आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी आती है तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, फिर उसी के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं,
रेफरेंसेस भी मैम कई बार इसमें काम करते हैं, बट आजकल मैम ऐसा है कि रेफरेंसेस का भी, क्योंकि इजीली मैं आपको बताऊं, एक अपना करके सॉफ्टवेयर है, उस पे इजीली मैम आपको जॉब्स मिलते हैं. आए दिन वो लोग, ये ट्रांसलेटर्स का बहुत जॉब्स वगैरह इनके निकलते रहते हैं. लोकल पब्लिशर्स ही आपको दे देते हैं 20 to 30 thousand. मैंने पता नहीं कितने लोग देखे हैं जो सिर्फ घर बैठे वो हिंदी से इंग्लिश में, आपने जैसे अभी AI का बोला था, कई बार मैम देखिए अगर ट्रांसलेट करिए तो गूगल वो सारे वर्ड्स नहीं ट्रांसलेट कर पाता, तो उसमें या फिर मात्राएं वो गलत लग जाए, तो उसमें एक्सपर्ट्स की तो जरूरत होती है. फॉर इंग्लिश में है तो कई बार मान लीजिए वो क्वाइट QUIT क्वाइट अलग है, QUIT क्वाइट अलग है, तो जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स है उनके इंटरफेरेंस की तो हमेशा ही जरूरत पड़ती है. AI एक असिस्टेंस हो सकता है, एक सब्सिट्यूट नहीं हो सकता है. जी मैम, क्वेश्चंस तो हमारे पास इतने ही जी मैम, क्वेरीज आई, जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उन सबको अच्छे से एड्रेस किया, रिजॉल्व किया, और आपका सेशन भी बहुत ही एंगेजिंग था मैम. थैंक यू सो मच आपके सेशन के लिए, एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था उनको ये बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा, और आगे भी वो ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकेंगे. आपने अपना समय दिया उसके लिए, थैंक यू सो मच मैम. जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े थे सेशन के लिए उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आपने बहुत पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे पूरा टाइम, और आपने ये सेशन अटेंड किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आगे भी मैम क्वेरीज आती हैं तो आप मुझे वो भेज सकती हो मैम. आई वुड रियली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दोज क्वेरीज इन अ बेटर वे, कि हाँ जी, उसमें थैंक यू उसमें, सो मच. और अगर आई कैन आंसर इन मोर डिटेल्स आई वुड ट्राई टू डू दैट एज जी, श्योर मैम, वेल. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम.